बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके इस वीडियो में जो सेहती के अंदर बहुत ज़्यादा एरर आ रहे हैं, एरर क्यों आ रहे हैं, क्या इसका प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और आप किस तरह वैक्सीन की अपॉइंटमेंट लेंगे और किस तरह आपको वैक्सीनेशन कंप्लीट होगी आपकी बूस्टर डोज, तो हम इसी पर सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आप हमारा सेहती देख सकते हैं, ये हमारा सेहती है। हम यहाँ COVID-19 वैक्सीन पर जाएंगे और देख सकते हैं ये एरर आ रहा है, मुझे भी ये एरर आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है हम इसी पर बात करेंगे, और अगर आपके सामने भी इस तरह एरर आ रहा है तो इसकी वजह क्या है, इसके रीज़न क्या है, इसे किस तरह सही किया जाए, हम सारी चीज़ें इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देख सकते हैं हम COVID-19 वैक्सीन क्लिक एरर, ठीक है, हम इसे यहाँ छोड़ देंगे। और इसके बाद अगर आपके सामने भी इसी तरह एरर आ रहा है तो आपको भी इसे यहीं छोड़ देना है। उसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको इस पर ये बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम इसे क्लोज करते हैं, लॉग इन आउट करेंगे अपनी आईडी को, और इसके बाद हम यहाँ से सीधे तवक्कलना पे चलेंगे। तो हम आ गए तवक्कलना पे। अब हम क्या करते हैं तवक्कलना को नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं अपनी आईडी यूज़र नेम डालने के बाद, और अब हम अपने तवक्कलना को तो देख सकते हैं। अब आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को आप यहाँ डालेंगे और आपका तवक्कलना तो अब आप यहाँ लोकेशन को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देख सकते हैं हम अपने पहले लोकेशन को ओपन कर लें। देख सकते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ नहीं चले क्योंकि तवक्कलना पे स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं करता है। तो अब हम चलिए यहाँ सर्विसेज है, आप यहाँ सर्विसेज पे जाएंगे। सर्विसेज पे जाने के बाद आपको तो देख सकते हैं हम अपने तवक्कलना की माई सर्विसेज पे तो देख सकते हैं आप अपने तवक्कलना की माई सर्विसेज को क्लिक करते ही आप यहाँ आ गए। अब यहाँ आपके सामने स्टेप्स इंटरफेस आएगा, अब आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे हेल्थ सर्विसेज में आपको दूसरे नंबर पे है COVID-19 टेस्ट और उसी के नीचे है आपको COVID-19 वैक्सीन। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तवक्कलना से तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ क्लिक करके देखते हैं हमको सेहती से अपॉइंटमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही थी। अब हम यहाँ तवक्कलना पर अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमको अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ हेल्थ पासपोर्ट आ गया, यानी आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका नेम आ जाएगा, कामन नंबर आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो भी होंगे इंशाल्लाह देखते हैं क्या मिलता है। देख सकते हैं मिनिस्ट्री सर्विस नॉट अवेलेबल, यानी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर बता रहा है, यानी इसका मतलब अभी जो सिस्टम है, मैं इसके अंदर थोड़ी और आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सऊदी अरब में जो कोविड केसेज आ रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों ने मेरी वीडियो पहली वीडियो देखी अभी थोड़ा देर पहले, जो कोविड केसेस आ रहे हैं अभी 2000 प्लस हो गए हैं, यानी 2000 से ऊपर आ रहे हैं कोविड केसेस। और इसलिए जो जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन अभी पहली डोज भी कंप्लीट नहीं की, सऊदी अरब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली डोज़ को भी कंप्लीट नहीं किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज़ लगा के बैठे रहे, उन्होंने सेकेंड डोज़ को भी कम्प्लीट नहीं किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज लगाने सेकेंड डोज लगाने के बाद बूस्टर डोज को कम्प्लीट नहीं किया। और ये वैक्सीनेशन जो प्रॉब्लम उन लोगों के सामने आ रही है, बुकिंग नहीं हो रही है जिन लोगों ने अपनी सेकेंड डोज को कंप्लीट कर लिया था और अभी उनका टाइम बाकी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन का टाइम 6 मंथ, सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का टाइम 8 मंथ, यानी अगर आपकी वैक्सीनेशन आपको 2 महीना या 4 महीना या 3 महीना हो रहा है कंप्लीट किए हुए, तो अभी आपको अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। अगर मिल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप फ़ौरन लेके लगवा ले, अगर नहीं मिली तो कुछ दिन आप वेट करें, क्योंकि जो केसेस आ रहे हैं ये केसेस वो केसेस हैं कि अभी वैक्सीनेशन पहले उन लोगों को लगाना लाजमी है, इसलिए जिनकी वैक्सीनेशन का टाइम अभी दूर है इसलिए शायद उनके लिए सिस्टम को थोड़ा देर के लिए क्लोज रखा गया है। जब भी हम वहाँ जाते तो हमको ट्राई अगेन लेटर बता दें। अगर फिर भी आपको वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट लेना है तो इसके 2 प्रोसीजर आपके पास हैं। पहला प्रोसीजर, आप जिस जगह पे हैं अगर आप अपनी जगह को चेंज कर दें या कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ आप जाएं और वहाँ जाने के बाद अपनी लोकेशन को ऑन ऑफ करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नीचे आएंगे
और नीचे आने के बाद अपनी लोकेशन को इस तरह ऑन ऑफ करेंगे। जैसे आप मान लीजिए रियाद में, आप दमाम गए या दमाम है तो आप रियाद हैं, तो अपने लोकेशन को ऑन ऑफ़ करेंगे। लोकेशन को ऑन ऑफ़ करने के बाद आप फिर से अपनी सेहती तवक्कलना को ओपन करेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दमाम में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, आप रियाद हैं, रियाद में आपको दो बार लोकेशन ऑन ऑफ़ करना है अपना, उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ आकर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। तो यहाँ जो अगर आपके पास के नियरेस्ट जितने भी वैक्सीन सेंटर होंगे वहाँ आपको ऑटोमेटिकली अगर खाली होंगे वहाँ अपॉइंटमेंट, अगर नहीं मतलब अगर वहाँ वैक्सीनेशन खाली होगी, डेट खाली होगी, तो आपको फ़ौरन इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो मैंने इस वीडियो में दोनों प्रोसीजर बताया आपको कि तवक्कलना, अगर सेहती में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप तवक्कलना से ट्राई करें, अगर तवक्कलना के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप सेहती से ट्राई करें। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑल पे करके ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर मन में कोई कन्फ्यूजिंग है आपके या कोई सवाल है जिसका जवाब आपको वीडियो में नहीं मिल पाया, तो सिंपली आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर ही रहूँ। मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक नीचे मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वहाँ आपका फ़ौरन से फ़ौरन रिप्लाई दिया जाए और आपकी जो भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफिज़।